उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 24 पर गजरौला चौपला से लेकर ब्रजघाट तक भीषण जाम लगने से फंसे लाखों वाहन यातायात हुआ बाधित। बता दें कि रविवार की शाम 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक भयंकर जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें गजरौला चौपला से लेकर ब्रजघाट टूल तक भीषण जाम लगने से लाखों वाहन फंस गए, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। जाम में दर्जनों की संख्या में मरीजों को ले जाती हुई एम्बुलेंस भी लगातार हूटर बजाती रही, लेकिन पुलिस व्यवस्था सुस्त होने के कारण एम्बुलेंस को भी निकलने के लिए सड़क पर कहीं जगह नहीं मिल पाई और मरीज एम्बुलेंस में ही बेहोशी की हालत में यूं ही तड़पते रहे। सैकड़ों यात्रियों ने तो काफी लंबा जाम लगा देख वाहनों से उतरकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया। देखने में आया कि भैया दूज का पावन पर्व मनाकर लौट रहे यात्री भी बुरी तरह से जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों की और राहगीरों की माने तो भगत नदी का पुल क्षतिग्रस्त और वहां पर रोड वन वे होने की वजह से जाम लगने का कारण बताया जा रहा है। जाम लगने के कारण छोटे और बड़े वाहन एक दूसरे के पीछे काफी देर तक रुक रुक कर और रेंग रेंग कर चलते रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।